हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो तीन चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहली बात, ये जो मेरा चेहरा नजर आ रहा है, देखिए प्रोफाइल में प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। ये इंस्टाग्राम नहीं है, है ना। इंस्टाग्राम में भी अगर आप प्रोफेशनली इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं तो भी नहीं चलती है। आप इसमें अगर कोई टी शर्ट की फोटो, कुत्ता घुमाते हुए फोटो, कहीं बाजार में गोलगप्पे खाते हुए फोटो, ऐसे ऐसे फोटो नहीं लगानी होती है लिंक्डइन पर। लिंक्डइन में आपको एक प्रोफेशनल ऑफिशियल इमेज लगानी होती है। और कई लोग तो मैंने देखे इतने महान है, इमेज लगाते ही नहीं है। अब अगर आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या ओवरऑल अपने आपको फ्लॉप करना है तो बात अलग है, है ना। या फिर अगर आप इतने फेमस हो लाइक नरेंद्र मोदी, MS धोनी, शाहरुख खान, तो अगर वो बनाएंगे तो चलो बिना फोटो के भी चल जाएगा। मतलब आई जस्ट मीन टू से, मुझे पता नहीं उन्होंने फोटो लगाई नहीं लगाई। मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि इस तरह के पॉपुलर लोग तो चलो कैसे भी, उनको तो लोग करते हैं फॉलो। लेकिन अगर आप एक सिंपल, अभी तो मैं बोलूंगा सिंपल ह्यूमन बींग हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर फोटो तो लगानी चाहिए, है ना। और क्लोजअप चलता है इसमें, जैसा कि एक पासपोर्ट फोटो नहीं होती कहीं फॉर्म वॉर्म पे लगती है, समथिंग लाइक दैट। बाद में आप अगर कोई एक आध इमेज शेयर करना चाहो तो कभी करो, नहीं तो मैंने देखा है लोग कमेंट्स में डाल देते हैं कि ये फेसबुक नहीं है, ये डेटिंग ऐप नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं। अगर आप कुछ भी पर्सनल ज्यादा करने की कोशिश करो लिंक्डइन पर, लिंक्डइन को थोड़ा सा जॉब बिजनेस से रिलेटेड ही रखो तो अच्छा रहता है ना। तो पहली चीज हमारी ये डिस्कस हो गई कि इसके अंदर आपको प्रोफेशनल फोटो रखनी है। कई जगह तो मैंने पढ़ा ऐसा तक लिखा है कि जिन लोगों की प्रॉपर प्रोफेशनल फोटो होती है उनको 20 टाइम्स तक ज्यादा रिस्पांस मिलता है, बजाय उनके जिनकी फोटो नहीं है या एमए कुछ भी फोटो लगा रखी है उससे। चलो अब दूसरी बात करेंगे हेडलाइन की। हेडलाइन ये है, डायरेक्टर एट जस्टविन सॉल्यूशंस। आप अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हैं तो कुछ तो होंगे, स्टूडेंट ही होंगे। चलो माना आप बोलो सर आप तो डायरेक्टर हो, आपने लिख दिया। मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट तो हो, स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहीं तो कुछ तो होगे। नहीं तो इतने छोटी उम्र में लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने की जरूरत क्या है। और अगर स्टूडेंट भी हो तो भी अपने आप में स्टूडेंट भी एक स्टेटस है। नहीं तो आप एक ऑफिसर होंगे, आप लिख सकते हो सेल्स एग्जीक्यूटिव, या फैकल्टी हो तो फलाना फैकल्टी एट फलाना इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ तो होगा। दैट इज योर हेडलाइन। ये एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा तभी कनेक्ट करता है जब उसको पता हो कौन। तो वही मैंने कहा नहीं, कोई डेटिंग ऐप या फ्रेंडशिप ऐप तो है नहीं। तो पहले अपना स्टेटस बताओ, व्हाट यू आर, ठीक है ना। देन उसके बाद एक और चीज जो मुझे इसमें डिस्कस करनी है वो ये कि अब ये देख रहे हैं अबाउट, मैंने बहुत छोटा लिखा है। वैसे इसमें एक से दो छोटे पैराग्राफ्स आप लिख सकते हो, मैंने तो कुछ ज्यादा ही छोटा लिख दिया। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड लीगल ड्राफ्टिंग सर्विसेज, दो मेरे जो मेन बिजनेस है वो मैंने यहां हाईलाइट कर दिया है। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, इसमें बुलेट्स भी, यानी कि पॉइंट 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 भी बना सकते हो, दो छोटे स्मॉल पैराग्राफ बना सकते हो। राम कहानी में तो किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है, ठीक है ना। तो और चीजें डिस्कस करेंगे। तीन चीजें मैंने बताई जो ध्यान से करने वाली हैं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल फोटो लगाओ, प्रॉपर हेडलाइन आनी चाहिए, क्या डेजिग्नेशन कहां, और तीसरा अबाउट में थोड़ा अपने बारे में बताओ इन ब्रीफ कि आप क्या पढ़े लिखे हो, क्या कर सकते हो, क्या आपकी मेन सर्विस है, ठीक है ना। इन ब्रीफ अबाउट में अबाउट योर सेल्फ प्रोफेशनली अच्छे से बताओ उनको, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।